वेलकम बैक एवरीवन टू आवर रिएक्ट नेटिव कोर्स। आज हम एक और फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक रिएक्ट नेटिव का डिस्कस करेंगे, विच इज द टेक्स्ट कंपोनेंट। सो लेट्स गो अहेड और इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि टेक्स्ट कंपोनेंट एक्चुअली होता क्या है, और उसके बाद हम इसके जो वेरियस यूजेजेस हैं और इसकी जो पोटेंशियल एप्लीकेशन हो सकती है रिएक्ट नेटिव में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम बेसिकली चार चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ गोइंग टू बी इंट्रोडक्शन टू द टेक्स्ट कंपोनेंट। द सेकंड वन विल बी कि आप अपने टेक्स्ट कंपोनेंट को स्टाइल कैसे कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ गोइंग टू बी कि टेक्स्ट कंपोनेंट्स की जो नेस्टेड यूजेज है वो कैसे होता है, और उसको एक्सप्लेन करेंगे। एंड द फोर्थ वन विल बी द डायनामिक यूजेज ऑफ द टेक्स्ट कंपोनेंट, कि उसमें आप वेरिएबल्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन टू द टेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। जो टेक्स्ट कंपोनेंट है वो रिएक्ट नेटिव में टेक्स्ट को शो करने के लिए यूज़ होता है। उस टेक्स्ट कंपोनेंट को आप स्टाइल प्रॉपर्टी के थ्रू डिफरेंट तरीकों से स्टाइल कर सकते हैं एज पर योर यूआई रिक्वायरमेंट्स। इसको हम लेटर डाउन इन द लेक्चर कवर करेंगे। टेक्स्ट कंपोनेंट के लिए दीगर प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं रिएक्ट नेटिव में। इसके लिए हम क्विक गूगल सर्च कर सकते हैं, सो दैट यू कैन सी ऑल द प्रॉपर्टीज जो सपोर्ट हैं रिएक्ट नेटिव में। इस तरह से आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव प्रॉपर्टीज। ये पेज ओपन करें ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का, और यहाँ पर आपको प्रॉप्स सारे मिल जाएंगे जो कि टेक्स्ट कंपोनेंट एक्सेप्ट करता है। कुछ मेजर वंस हैं लाइक द ऑन प्रेस, लॉन्ग प्रेस, प्रेस इन, प्रेस आउट, एंड ऑब्वियसली द स्टाइल प्रॉपर्टी। सो इस लेक्चर में हम स्टाइल प्रॉपर्टी को कवर करेंगे, सो आपको आइडिया हो कि एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ किया जा सकता है। बाकी प्रॉपर्टीज़ के लिए यू कैन टेक अ लुक एट द डॉक्यूमेंटेशन एंड अंडरस्टैंड द यूजेज ऑफ दैट। सो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी टू द टेक्स्ट कंपोनेंट। चले अब चलते हैं और स्टाइल करते हैं अपने टेक्स्ट कंपोनेंट को। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि ये स्टाइल प्रॉपर्टी आप ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट कंपोनेंट को स्टाइल करने के लिए। ये जो प्रॉपर्टी है स्टाइल की, ये CSS प्रॉपर्टीज़ एक्सेप्ट करती है कैमल केस में, कबाब केस में नहीं। इसकी एग्जांपल हम आगे आपको देते हैं। तो यहाँ पर सिंपली एक हमने रेड का स्टाइल ऐड किया है और उसको टेक्स्ट कंपोनेंट को साइन कर दिया है, और उससे जैसे आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट का कलर है वो रेड हो गया है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेस्टेड टेक्स्ट कंपोनेंट। एक जो इम्पोर्टेंट फीचर है टेक्स्ट कंपोनेंट का, वो ये है कि आप इसको नेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब कि एक टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर दूसरा टेक्स्ट कंपोनेंट भी ऐड हो सकता है। इससे आपको स्टाइल करने में स्पेसिफिक पार्ट ऑफ योर टेक्स्ट आसानी होती है, और ऑब्वियसली आप उसको ऑर्गेनाइज और फॉर्मेट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने एक ख़ास डिस्टिंक्शन का ख्याल रखना है, वो ये है कि नेस्टेड जो कंपोनेंट है टेक्स्ट के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट का टैग ही हो सकता है। आप व्यू को या किसी और कंपोनेंट को टेक्स्ट के अंदर नेस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए भी लेट मी गिव यू अ क्विक एग्जांपल। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि मैंने एक और स्टाइल क्रिएट किया है ब्लू का, और फिर मैंने टेक्स्ट कंपोनेंट नेस्ट किया है ऑलरेडी एक टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर, और उसको मैंने ब्लू की प्रॉपर्टी दी है, और आप देख सकते हैं कि उसका कलर ब्लू हो गया है, बाहर वाले का अभी भी रेड ही है। दिस इज़ हाउ यू कैन नेस्ट टेक्स्ट कंपोनेंट्स विद इन टेक्स्ट कंपोनेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायनामिक यूजेज ऑफ द टेक्स्ट कंपोनेंट। इसमें हम करेंगे क्या, हम इसमें रादर देन गिविंग अ स्टैटिक स्ट्रिंग टेक्स्ट टैग को, हम एक वेरिएबल देंगे, और उस वेरिएबल को हम क्रिएट करेंगे जावास्क्रिप्ट में। याद रहे कि रिएक्ट नेटिव JSX को यूज़ करता है UI को रेंडर करने के लिए। सो ये एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। हम वेरिएबल्स
जावास्क्रिप्ट में क्रिएट कर सकते हैं और वो फिर हम टेक्स्ट टैग को देंगे सो दैट जो टेक्स्ट का कंपोनेंट है वो हमारा उसी को रेंडर करे। और ऐसे हम जावास्क्रिप्ट की पावर को हार्नेस कर सकते हैं HTML के सिंटैक्स की तरह जो कि JSX है रिएक्ट नेटिव में। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। इस एग्जांपल में हम नेम का वेरिएबल सेट कर रहे हैं ऊपर और उस नेम के वेरिएबल को कर्ली ब्रेसेस में हम यूज़ करेंगे। अब ऐसे आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल की वैल्यू है वो टेक्स्ट के कंपोनेंट में शो हो रही है। दिस इज हाउ यू कैन यूज द टेक्स्ट कंपोनेंट एंड असाइन देम वैल्यूज डायनामिकली। ये चीज़ कहने में तो छोटी है लेकिन एक्चुअली ये बहुत ही पावरफुल एक टूल है बेसिकली, कि हम वेरिएबल्स को तो कर ही सकते हैं लेकिन क्योंकि जावास्क्रिप्ट है तो आप जावास्क्रिप्ट फंक्शंस भी असाइन कर सकते हैं टेक्स्ट कंपोनेंट्स को। सो यू कैन इमेजिन द एक्सटेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर दैट दिस गिव्स यू बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट विद इन द टेक्स्ट कंपोनेंट्स एंड JSX बाय यूजिंग ऑब्वियसली द कर्ली ब्रेसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट नोट्स। पहला जो नोट है वो ये है कि जो टेक्स्ट कंपोनेंट है उसको आप लेआउट स्टाइलिंग नहीं दे सकते। व्हाट दैट मींस इज कि आप जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि पैडिंग है, मार्जिन है, विड्थ है, वो आप यूज़ नहीं कर सकते टेक्स्ट कंपोनेंट के ऊपर। इसके लिए आपको जो व्यू कंपोनेंट है उसको लेआउट की प्रॉपर्टीज़ देनी पड़ेंगी या पोजिशनिंग की प्रॉपर्टीज़ देनी पड़ेंगी और उससे आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली फॉर्मेट होता है। द सेकेंड वन इज़, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि टेक्स्ट कंपोनेंट कैन नॉट हैव द चाइल्ड व्यू। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप डेवलपमेंट करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस दैट ओनली नेस्टेड अप्रोच दैट इज़ प्रोवाइडेड इज टेक्स्ट विद इन द टेक्स्ट कंपोनेंट। आप व्यू का कंपोनेंट या बाकी कंपोनेंट टेक्स्ट के अंदर ऐड नहीं कर सकते। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट। यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि रिएक्ट नेटिव में जो टेक्स्ट है वो हमेशा ही टेक्स्ट के टैग के अंदर होना चाहिए। यू कैन नॉट जस्ट रिटर्न अ स्ट्रिंग फ्रॉम योर कंपोनेंट और फंक्शंस एंड एक्सपेक्टेड टू बी डिस्प्लेड इन रिएक्ट नेटिव। ये काफ़ी कॉमन है बाकी लैंग्वेजेस में लेकिन रिएक्ट नेटिव में इट शुड ऑलवेज बी इनकैप्सुलेटेड विद इन द टेक्स्ट टैग्स जैसे हमने यूज़ किया है। आप सिर्फ स्ट्रिंग को नहीं डिस्प्ले कर सकते टेक्स्ट टैग के बगैर। सो इन कंक्लूजन, जो टेक्स्ट का कंपोनेंट है रिएक्ट नेटिव में, ऑल्दो वो बहुत सिंपल है बट इट इज़ वेरी पावरफुल एज वेल। ये आपको अलाउ करता है कि आप मुख्तलिफ किस्म की टाइपोग्राफीज बनाएं अपने ऐप में और डिफरेंट किस्म की UIs को सपोर्ट करता है और लोग बनाते हैं डिस्पाइट हाउ सिंपल इट इज़ टू यूज़। अगले लेक्चर में हम बाकी कुछ जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग 10 BDP React Native Course।